السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة البقرة آية نمبر پچتر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفتطمعون हमजा का मतलब क्या फा का मतलब पस तक तुम उम्मीद करते हो अन ये कि यु मनू व ईमान लाएँ लकुम तुम्हारे लिए वद और तहकी का ना था फरीकन एक गो मन हूँ इन में से यस माउन सुनते थे कलामा, कलाम कल अल्लाह की सुिर युहरफ उ न हो वह उसे बदल देते मिम बादी बाद मा उसके अकलू हूँ कि वह उसे समझ चुके थे वह इस साल में कि वो यह इलम रखते थे व इज़ा और जब लकू व मुलाकात करते करतेदीना उन लोगों से आमनु जो ईमान लाए

वो तुमसे झगड़ा करें भी उसी चीज़ के साथ आइंदा पास और तुम्हारे रब अफला क्या पस नहीं ताकिलून तुम अकल रखते अवला और क्या नहीं यहमून व जानते अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह यामू व जानता है माँ उसे युसिरून जिसे वो छुपाते हैं व माँ और उसे युन जिसे वो ज़ाहिर करते हैं आफ़ातमाकुमान फ़री यसमाऊन कलाम अल्ला क्या बस तुम उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे हालांकि उनमें से एक ग्रोह अल्लाह की कलाम को सुनता और फिर उसमें सुनबर्रफ़ू नदिमा आकालू फिर उसे समझने के बाद उसमें तब्दीली कर देता वहम यामून इस साल में कि वह जानते होते व इज़ा लकीन आमनुलु आमन्ना और जब वो ईमान वालों से मुलाकात करते तो कहते हम ईमान ले आए व इदा खला बद इलाबाद कलुअसू न बिमा फतहल्लिक और जब उनका बाज बाज़ के साथ अलहदा होता तो वो कहते क्या तुम उन्हें वो बयान कर देते हो जो अल्ला ने तुम पर खोला है लिहा जो कुम्ब है आंदा रब ताकि वह उसके ज़रिए तुम्हारे ख़िलाफ़ तुम्हारे रब के यहाँ तुमसे झगड़ा करें अफला तिलून क्या तुम्हें समझ नहीं अबलामू ना आलमुमायसर वमायलिन और क्या वो जानते नहीं कि बेश जानता है जिसे वो छुपाते हैं और जिसे वो एलान एलानियाँ करते हैं जाहिर करते हैं यहाँ से अल्लाह त अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को तसल्ली दे रहा है कि तुम इनके ईमान ना लाने से ये मत समझो कि शायद कुछ दलाइल की कमी है या आपके अंदाज़ में कुछ कमी है या ऐसा मत समझो क्योंकि ये तो शकावत और बदबकती की इस हद तक पहुंच चुके हैं कि इन में से एक गुरो अल्लाह की कलाम को सुनता अल्लाह की कलाम से मुराद यहाँ पर तौरात, तौरात को सुनता और फिर उसमें तब्दीली कर देता इससे क्या मुराद है मुफसरन के इसमें दो अकवाल हैं एक कौल ये है कि इस ग्रोह से मुराद वो सत्तर अफराद हैं कि जिनको मूसा आलाम अपने साथ तूर पे लेकर गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि मूसा हम अल्लाह तलाम सुनना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने फिर मूसी अल्लाम से कहा कि इनसे कहो कि तहारत इख्तियार करें कपड़े पाक करें रोज़ा रखें ये सब अहतमाम जब उन्होंने किया तो मूसा सलाम ने कहा कि तुम सजदे में वाकई हो जाओ तुम अल्लाह की कलाम सुनोगे कि अल्लाह मेरे से बात करता है तो चुनाचे ये सब सजदे में चले गए तो अल्लाह ताला ने मूसा सलाम से कलाम की इन्होंने सुना कि अल्लाह मूसा को हुक्म दे रहा है और उसके बाद चीज़ों से रोक रहा है उसके बाद जब मूसा इस्लाम इनके पास आए कहा कि अल्लाह ने तुमने सुना तुम्हें अल्लाह ने ये ये हुक्म दिया तो इन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह ने ये तो नहीं कहा अल्लाह ने तो ये कहा यानी अल्लाह की कलाम अल्लाह ताला सुन के उसके नबी के मुंह पर झुठला दिया उसको कि नहीं ये तो नहीं कहा तुझे उसने तो ये कहा एक माना इसका मुफसरीन ने यह बयान किया कि फरीक से मराद वह सत्तर अफराद हैं एक कौल है ये दूसरा कौल इस पर यह है कि इससे मुराद उनके उलमा, उनके अकाबिर और उनके जो ज़िम्मेदारान थे महबी पेशवा वो मुराद है कि वो क्या करते तो रात को सुनते उसको समझते और फिर उसमें तब्दीलियाँ कर देते तब्दीलियाँ कैसे करते कि हलाल को हराम हराम को हलाल अमीर के लिए हद को साकित कर दिया गरीब के ऊपर नाफज कर दी जिसने रिश्वत दी उसके लिए मसला नरम कर दिया जिसने कुछ ना दिया उसका मसला पूरा उसी तरह बताया जिस तरह है सख्त कर दिया यानी कि और अपनी तरफ़ से कुछ चीज़ें तो ये वो उनके अंदर एक कॉल ये है भी सवाब दूसरा कौल जो है ये ज़्यादा जाहिर और गालिब मालूम होता है इसमें अमूम है कि सारे यहूद के अंदर ये बीमारी थी और अब ये जिन यहूदियों से ये खिताब किया जा रहा है कि उनसे मुसलमानों को यूं कहा जा रहा है कि तुम उनसे ईमान की तो रखते हो कि जिनके बड़े ऐसे ऐसे थे और जो औलाद होती है बाप ही के नक्शे कदम पे चलती है तो जिनके बड़े ऐसे थे उनसे तुम ईमान की क्या तो रखते हो इस अंदाज से बात है या फिर उमूम लिया जाए तो जिनसे तुम ईमान की तवक्को रखते हो उनके बड़े भी और ये खुद भी ऐसे हैं कि अल्लाह कलाम को सुन के समझ के उसमें तहरीफ कर देते जिस तरह कि अल्ला के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका वाक़या जना की हद में पेश आया आपने फरमाया कि तुम्हारी तौरात में रजम है उन्होंने कहा नहीं आपने फरमाया ले कर आओ वो ले कर आया ऊपर लिखा हुआ था रजम लेकिन उसने उस शायद को छुपा दिया अब उसको जान लिया उसको समझ लिया लेकिन फिर तहरीफ कर दिया तो ये यहूद की आदत है कि हक़ को समझकर उसको देखकर फिर उसको छुपाना आज भी बहुत से और बहुत से लोग किताबो सुन्नत को समझकर उसको जान कर सिर्फ और सिर्फ अपने फ़िरके की वजह से या इस वजह से कि मैं फलाँ ग्रोह से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं फलाँ ग्रोह का बहुत बड़ा आलिम हूँ इस वजह से वो उस हक़ को छुपा जाते उसे बैार नहीं करते आज भी लोगों के अंदर ये चीज़ मौजूद है तुम मैं युद्ध लिफून हूँ फिर वो उसमें तहरीफ कर देते हैं ये तहरीफ कैसी है? हैलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि तौरात और इंजील के अंदर जो तहरीफ थी ये लफ्ज भी बदले थे कि सिर्फ माना बदला था कि सारी तो रात बदली थी कि कुछ मखसूस मकामत बदले थे अल्लाह साहब इसमें जो बात मुहक्क है वो ये है कि इन्होंने मानी के साथ साथ उसके अल्फाज को भी बदला और हर वो मुकाम जो इनकी ख्वाहिश के इनकी मंशा के ख़िलाफ़ होता उसमें तब्दीली कर देते या अलफाज बदल देते या अल्फाज अगर बदलने मुमकिन ना होते तो माना बदल देते ये इनके अंदर बीमारी रही है जिस तरह के हमारे मुसलमानों में से भी बाज़ ऐसे हैं किरने मजीद का तर्जमा तो उन्हें पता नहीं बदला जाएगा और वो क्या करते हैं ब्रैकेट लगा कर उसमें अपनी मन की लिख देते हैं अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ कुरान के जाहिर के खिलाफ हो कुरान के मतन के खिलाफ हो तो वो तहरीफ है जिस तरह के एक साहब जिसको अपने फ़िरके के अंदर बहुत अहतराम की नज़र से देखा जाता है आला हज़रत और पता नहीं किस किस नाम से उसको याद किया जाता है उसने कुरान मजीद का जो तर्जमा किया उसके अंदर कई मुकाम पर उसने ऐसे किया मसला बशर का लफज जो है कि मैं तो वहाँ आना अशर हम मिसुकम मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ उसने बराकड़ के अंदर अब इस आयत पर वो क्या तहरीफ करता बेचारा क्योंकि उसको तो पता था लफज बदले तो मैं पकड़ा जाऊँगा उसको अब अकीदा भी उसने लोगों को ये बताया कि अल्लाह के नबी नूरम में नूर है आप बशर नहीं है तो बराकड़ में उसने लिख दिया मैं बशर हूँ ज़ाहरी सूरत में अब ये ज़ाहिरन किसका मना किया तुमने ना कुरान से ये लफज ना हदीस से ये मान सिर्फ़ अपना एक बातिल अक़ीदा जो हिंदुस्तान में बनाया और उस अकीदे का दिफा करने के लिए कुरान के तर्जमे के अंदर ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ लिख दी ये मैंने एक मिसाल आपको दी है तो ये तहरीफ इस उम्मत के भी बातिल लोग करते रहे तो अल्ला रब्लमी ने जिक्र किया कि समझने के बाद वो ऐसा करते थे तो बाहम यह आमून हालाँकि वो जानते थे कि हमारा ये अमल जुर्म है और हमारा ये अमल गलत है गोया के इस पूरी आयत में अल्लाह ताला ने यहूद की एक और बुरी चीज़ का जिक्र किया कि कुरान अपनी तौरात में तहरीफ करना और ईमान वालों को तसली है कि तुम इनके ईमान ना लाने पर परेशान ना हो ये तो हैं ही ऐसे अब इनकी एक और खसलत का जिक्र वो ये था कि इनके बड़ों ने यह कहा कि तुम ईमान वालों को गुमराह करो और परेशान करो इस तरीके के सुबह के वक़्त इनकी मदरसों में जाओ और कहो हम आज के बाद मुसलमान दिन इनके साथ गुजारो जब शाम का वक्त हो जाए तो तुम कहो यार हम जो सोच के आए थे ये तो वो है ही नहीं हमने तो सोचा था ये नबी हो गई ये तो नबी नहीं है इसकी तो बातें वही वाली हैं ही नहीं इसलिए हम वापस जा रहे तो चलो और कुछ नहीं तो दो चार को तो तुम शक्की कर दोगे ना दो चार को तो तुम तो शक्की कर सकते हो करो और इस तरह आज मुसलमानों की सफों के अंदर भी यहूदियों ईसाइयों के एजेंट मौजूद हैं जो मुसलमानों के अंदर ऐसे शोशे छोड़ते रहते हैं किसी न किसी तरह मुसलमानों को शक्की करना हदीस के ऊपर एतराज कुरान के ऊपर एतराजात वही के ऊपर एतराजात ये शुरू से मुनाफिक चले आ रहे हैं तो ये यहूद के मुनाफिक इनका जिक्र है कि जब ईमान वालों के पास आते आकर कहते हैं हम मोमिन हैं और तस्दीक दिलाने के लिए ना उस वक़्त ये भी कहते ये वही नबी है जिसका हमारी तौरात में जिक्र है ये वही है जिसका जिक्र आया था जिसका हम तुम्हें कहते होते हाँ हाँ ये वही है मोमिन इससे खुश हो जाते लेकिन शाम को कहते नहीं यार वो हमें गलती लगी है ये वो नहीं हालांकि खुद कह जाते कि हमारी किताब के अंदर इसी का लिखा हुआ तो जब ईमान वालों से मिलते तो कहते हम ईमान लाए और जब आपस में अकेले होते तो कहते यार तुम वहां पर जाकर जज्मे में ये भी बताए हो ना उन्हें जोश में आके तुमने ये भी बता दिया ये भी बता दिया तुम बड़े ही बेवकूफ लोग हो तुमने उन्हें ये कह दिया कि इस नबी का हमारी किताब में जिक्र है अब वो पक्के हो गए हैं इस बात पर आते ये गुमराह करने लेकिन इनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती जिससे ईमान वालों के ईमान को मजीद कुत मिल जाती फिर इनके बड़े इनको डांटते अ तो हदसूना हूं बेमा फते तुम अपने सारे हवाले उनको दे आए हो बड़े अजीब लोग हो तुम लो हाथ जो कुम भी आंदा रबी कुम ताकि वो कल क़यामत को अल्लाह से कहें कि अल्लाह ये तो हमारे सामने इकरार भी कर चुके थे तुम तो बड़े कमज़ोर लोग निकले हो कि तुम अपनी किताब के हवाले उनको दे आयो ताकि कल को तुम्हारे खिलाफ़ दलील और मजबूत हो जाए अफलाखिर तुम्हें अकल नहीं है हमने तुम्हें भेजा था निफाक और मुसलमानों को फिसलाने के लिए उल्टा तुम उनको दलाइल दे आयो मजीद पक्का कर आए तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक तो इनके निफाक का जिक्र किया और दूसरा जो ये बातें ईमान वालों को कर जाते बाद में इस पर इनको मलामत होती और एक दूसरे को डांटते कि क्यों तुमने ये बातें की उस इनकी कैफियत का जिक्र किया अल आलमायूसर क्या अल्लाह जानता नहीं है जिस बात को ये छुपाते हैं अपने सीनों में हक़ को छुपाये वमायनू और जिस कुफ़र को ये जाहिर कर रहे हैं या जिस कुफ़र को हैं और जो ऊपर ऊपर से ईमान जाहिर कर रहे हैं अल्लाह इसको जानता नहीं ये तो ऐसे आपस में बेवकूफ़ बन गए देखें जो ज़िद होती है ना तब जो होता है ये अल्लाह की कदर भी दिल से ख़त्म कर देता है अब अल्लाह को तो ये मानते थे न यहूद भी उस पर तो इख्लाफ नहीं था अब यहाँ पर अल्लाह के इलम के ऊपर भी शक कर रहे कहते हैं कि तुमने उनको बताया तो उनको पता चला है। अगर तुम ना बताते तो उनको पता ना चलता तो क्या जो चीज़ तुम छुपाते हो अल्लाह उसे जानता नहीं अल्लाह अपने नबी को नहीं बता सकता तुम कैसे कहते हो कि उनको तुम्हारे बताने से पता चला बल्कि अल्लाह भी बता सकता है तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने यहूद के मज़ीद इनकी जो ग़लत हराक़त थी उनका जिक्र किया और ईमान वालों को तसली तो दी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी बुरी आदात और ख़सरतों से उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखें